ओ भी चुनिया नू गोटे लगवांदी होनियां तलिया ते मेहंदी ना मोर पौंदी होनियां मेरी चढ़ के जन जानी यार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। तो आज मैं आया हूँ खूह पर, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं सारी फसलें हैं। तो ये मेरे पीछे जो घर हैं, यहाँ के रहायशी लोग हैं। ये एक छोटा सा गांव है जहाँ पर चंद घरों के अलावा और कोई घर भी नहीं है, और बाकी सारे एरिया में तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर तक सारी फसलें ही हैं, और इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। मैंने एस्टीमेट लगा के आपको इतना बताया। तो आप देख सकते हैं घर, तो ये देखें, ये बिल्कुल कच्चे घर हैं। तो ये बेचारे, बिजली का मसला है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मसला है। तो यहाँ पर मोटर लगी हुई है जिसको ट्यूबवेल कहते हैं, तो वो फ़िलहाल सोलर पे है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, बहुत गहरा कुआं है। तो ये है वो मोटर, तो ये सारी फसलें हैं वो एंड तक इधर, और वो मेन सड़क है वो वाली, और ये एक बोर्ड लगी हुई है, एक बोर्ड उस साइड पे है। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और कमेंट लाजमी करिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा आने वाला कोई भी व्लॉग आपको शो हो जाए। तो इंशाल्लाह आपने व्लॉग मिस नहीं करना, आपको एंजॉय करवाएंगे व्लॉग में और गांव की सैर करवाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये है रेड़ी जिसके ऊपर लोग गोया वगैरह लेकर जाते हैं कहीं फेंकने वगैरह के लिए, या पट्ठे वगैरह ले के आते हैं या अपनी चीज़ें ले के आते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कच्चे घर हैं, वो दूर दूर तक सारी फसलें ही हैं। ये ट्रैक्टर है, तो आप घर देखें, बहुत ज़्यादा कच्चे घर हैं। तो आप देखते हैं, बाकी दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है। अगर हम देखें तो तकरीबन बहुत ज़्यादा दूर थोड़ा सा गांव दिखाई देता है। तकरीबन मैंने आपको बताया ये 14 से 15 किलोमीटर दूर, इससे भी ज़्यादा दूर है। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये सारे इनके घर हैं, तो आप देख सकते हैं। मैं आपको गांव की सैर कराता हूं, आपने व्लॉग मिस नहीं करना। जी, जैसा कि आपने देखा, ये है गांव। तो अब मैं थोड़ा बाहर की तरफ जाऊं तो आपको मेन रोड दिखाता हूं। ये है एक बोर्ड वो है, ये बहुत ज़्यादा और काफ़ी साल पुरानी ये बोर्ड है, ये आप देख सकते हैं। ये पराली वगैरह के अंदर इन्होंने आलू वगैरह अपने सेव किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। लोगों के यहाँ पर कच्चे घर हैं, यहाँ पर बिजली की इतनी सहूलत नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर लोग बहुत तंग होते हैं। तो ये देख सकते हैं बोर्ड के नीचे बहुत अच्छा साया आता है ताकि गर्मियों के अंदर, धूप के अंदर लोग इसके नीचे बैठ सकें। तो हमने देखा कि हमें एक ट्रांसफार्मर पूरे गाँव में दिखाई दिया, तो बिजली यहाँ पर ट्रांसफार्म होने के बावजूद भी बिजली यहाँ नहीं होती। मस्जिद पढ़ने
है, नमाज पढ़ने के लिए इन्होंने मस्जिद बनाई हुई है। ये मेन रोड है, ये काफ़ी इधर आगे दूर तक जाता है, गांव वगैरह से निकल कर आगे मेन रोड पर चला जाता है। तो यहाँ पर शॉप वगैरह भी है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मुनासिब छोटा सा गांव है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया वो मेन रोड है, तो इनके बहुत ज़्यादा कच्चे घर हैं और एक छोटा सा गांव है, बिल्कुल मुनासिब सा। आपको दिखाता हूँ आगे, मैंने वीडियो में दिखाया कि बच्चे टूर में ना रहे थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो जो सा ट्यूबवेल आपको दिखाया वो असल कर सोलर पे चलता है। आप आगे आपको मैं जानवर वगैरह दिखाता हूँ। ये मैं इनकी वहेली के अंदर आया हूँ, ये माशाल्लाह जानवर खड़े हैं। तो ये मैंने आपको बताया था जो रेडी है, जो चीज़ें वगैरह एक जगह से दूसरी जगह ले के जाने के लिए होती है। ये भी माशाल्लाह जानवर खड़े हुए हैं, ये देखें। जैसा कि आपने देखा ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे जानवर खड़े हुए थे। तो मैंने आपको बताया यहाँ तीन चार बोर्ड लगी हुई हैं, सबसे बड़ी बोर्ड ये है जो बहुत साल पुरानी, वो भी बहुत साल पुरानी, ये तो ज़्यादा पुरानी है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर इन्होंने आलू वगैरह सेव आपने किए होते हैं, ये बिल्कुल कच्चे घर हैं, देखें जी। अब मैं जा रहा हूँ गांव से बाहर, तो आपको बताया कि यहाँ पर मेन सड़क है, छोटा सा गांव है। मैं गांव से बाहर निकला हूँ तो अभी तकरीबन थोड़े फासले पर मुझे एक दो घर फिर दिखाई दिए हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ने और फसलें, और देख सकते हैं माशाल्लाह सजावट के लिए इन्होंने पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये रेडी चीज़ों को एक दफ़ा दूसरी जगह लेके जाने के लिए इन्होंने बनाई हुई हैं। तो आपने ब्लॉग पूरा देखना है, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और चलते हैं हम ब्लॉग की तरफ। मैं जा रहा हूँ फिलहाल गांव से बाहर। ये आप देख सकते हैं ये है यहाँ पर ईंटे बंधे, इसको कहते हैं ईंटों का पट्टा। यहाँ लगवांदी होनियां, यहाँ पर पट्टा होने के बावजूद लोगों के घर बहुत ही ज़्यादा कच्चे हैं। यहाँ हम गांव से ऐसा ऐसा बाहर निकल रहे हैं तो हमें कुछ शॉप्स देखने को मिल रही हैं। कब्रस्तान है आप देख सकते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट। जैसे जैसे गांव से बाहर निकल रहे हैं वैसे वैसे आबादी और कार ज्यादा होने लग पड़े। मैंने आपको बताया तो उस गांव में तकरीबन 14 किलोमीटर तक एक घर भी नहीं है, छोटा सा गांव है, उसके अंदर तकरीबन 3-4 घर हैं, तो उसके अलावा बाकी सारी फसलें हैं। ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे गांव से बाहर निकल रहे हैं वैसे वैसे ये पेट्रोल पंप है। तो मैं गांव से फिलहाल बाहर निकल रहा हूँ, ये आपको दिखाता हूँ, जंप बहुत ज़्यादा है। ये अब बिल्कुल मेन रोड पर जो कसूर रोड है, दीपालपुर रोड, कसूर रोड, हम उधर निकल आए हैं। तो हम गांव से निकल आए हैं बाहर, तो अब हम जा रहे हैं घर। तो आप देखते रहे ये हमारे राजोवाल के दूर से जाते हैं घर की तरफ, इसके दरमियान बहुत से शेल्टर आते हैं, हम आपको वो भी दिखाते हैं। मेरे इश्क़ दाना
ये एक शैलर बांध रहा है और ये शैलर देख रहे हैं आप। इधर ये बाग है तो ये यहाँ पर भी इर्द गिर्द सारी ज्यादातर बस नहीं है। आज मैंने आपको दिखाया ये पर हम फसलें वगैरह हैं हमारी भी और वो हमारी बस नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग जान। मैंने आपको बताया कि तकरीबन 14 किलोमीटर तक यहाँ पर सारी आगे तक फसलें थी। तलियां ते मेहंदी ना मोर पौंदी होनियां। ये यहाँ पर टूल टैक्स था जो अभी जिसका काम अभी जेर तमीर है, ये यहाँ पर बड़ा टूल टैक्स बनाने लगे हैं। ये बड़ा टूल टैक्स बनाने लगे हैं तो हम पहुँच आए हैं नहरों पर जहाँ से आगे राजो अस्टार हो जाता है। आप देख सकते हैं फ्रूट वाली रेड़ी लगी हुई हैं। पिछले ब्लॉग में आपको नहर से दिखा नहीं सका, ये आप देख सकते हैं। गाइज मैं पहुंच गया हूं डेरे। तो अगर मेरा आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा आने वाला कोई भी ब्लॉग आपको शो हो जाए। और देखते रहे शायद यार ब्लॉग। ओके अल्लाह हाफिज़।